साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 30 गुरु कमल भाजपा कार्यालय में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे, जिन्होंने गुरुग्राम से मेयर पद के लिए व पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का आवेदन लिए। लगभग 170 कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए, कल भी आवेदन आने की उम्मीद है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निगम चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। इसी को लेकर भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। निकाय मंत्री कमल गुप्ता को गुरुग्राम का चुनाव प्रभारी बनाया गया। अब ऐसे में देखना होगा कि पार्टी किस कार्यकर्ता पर कितना भरोसा करती है और किसको टिकट मिल पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक वार्ड से कई दावेदारी सामने आ रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने कई दावेदारों से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वी न्यूज हरियाणा। इस वक्त हम सेक्टर 33 गुरु कमल बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ पर आज निकाय मंत्री कमल गुप्ता यहाँ पर आज जो चुनाव के इच्छुक हैं उनका बायोडाटा लेने पहुँचे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल से पहले चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में मेयर और पार्षद पद के जो दावेदार हैं वो अपना बायोडाटा देने पहुंच रहे हैं। उसके बाद सर्वे होगा और उसके बाद किसको टिकट मिलेगी है तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ परविंदर कटारिया है। परविंदर जी, क्या कहेंगे, कमल गुप्ता जी आए हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखो जी, उनके आने से कार्यकर्ता में गति आई है। जो चुनाव लड़ने वाला कार्यकर्ता है, पार्टी ने आदेश दिया कि अपना बायोडाटा दे और मिले, तो आज सारे जिन लोगों को इंटरेस्ट था, ज़्यादातर लोग आए हैं, वो अपना बायोडाटा दिया है और चुनाव के इच्छुक लोगों ने अपनी बराई रखी है। जैसा पार्टी निर्णय करे। क्या लगता है पार्टी सर्वे कराएगी, क्योंकि बहुत ही दावेदार होंगे एक एक वार्ड से? स्वाभाविक है कि पार्टी सर्वे कराएगी। पार्टी के सर्वे जिन भी आधार पर होंगे, तो सबसे पहले कार्यकर्ता जो लाइन में लगना चाहता वो इच्छुक लोग तो सामने आए, वो उस प्रक्रिया शुरू हुई है। उससे निश्चित है कि हर वार्ड में कई कई लोग आएंगे, उनमें से जो पार्टी को उचित लगे उसको टिकट देंगे। तो परमंदर जी, आपने कौन से वार्ड से दावेदारी की है? अभी तो वार्ड गठन की प्रक्रिया हो रही है, कुछ चेंजिंग होने के आसार। मैं आज के दिन वार्ड 9 का निवासी हूँ। भाई साहब, हमारे साथ आप भी दावेदारी कर रहे हैं, कौन से वार्ड से आप? मैं वार्ड नंबर 33 से दीपक यादव जो दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा, और बाकी अभी वार्ड प्रक्रिया हो रही है जो चेंज होने की, उसके ब्याह पर तय होगा कि हम कौन से वार्ड से दावेदारी करेंगे। बाकी 33 नंबर वार्ड अभी फिलहाल जिससे हम दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तो आपने आवेदन दिया है पार्टी को, क्योंकि कमल गुप्ता जी आए हुए हैं। जी, अभी हमने आवेदन दिया है, बाकी जो पार्टी जैसा करेगी आदेश वैसे कार्य करेंगे आगे। कैसे देख रहे हैं चुनाव कब तक हो सकते हैं, जिस तरह से फिलहाल जो अटकलें लगा जा रही हैं कि लगातार इस तरह की बैठकें हो रही हैं भाजपा की? ऐसा लग रहा है इन बैठकों से चुनाव जल्दी होगा। वैसे जो अंदर से आदेश आ रहा है पार्टी का, अप्रैल के आसपास का मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में चुनाव होंगे। अप्रैल में चुनाव होंगे जी। तो आप 33 वार्ड से चुनाव लड़ेंगे, पहले भी लड़ चुके हैं या पहली बार दावेदारी? पहली बार दावेदारी कर रहे हैं। तो कब जुड़े थे भाजपा से आप, कितने साल हो गए? एक साल हो गया। एक साल हो गया भाजपा से। तो क्या आपके वार्ड में और भी दावेदारी कर रहे हैं क्या? हाँ, हमारे वार्ड से काफ़ी सारे लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं दावेदारी? अपना कुलदीप जी हैं, पंकज जी हैं, और सुनील नंबरदार जी हैं, महेश सरपंच जी हैं, अनिल यादव जी हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं लाइन में, आज़ाद सिंह जी भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से आवेदन अब लिए जा रहे हैं, स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे हैं और इससे पहले हमने कुछ और दावेदारों से भी बात की थी और कुलदीप यादव हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप जी, चुनाव कभी भी हो सकते हैं लगाए जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं, बैठकों का दौर भाजपा का चल रहा है, कैसा लग रहा है और क्या लगता है कि आज जिस तरह से देखो भीड़ है जो चुनाव की दावेदारी करने पहुंच रहे हैं, आप कौन से वार्ड से चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल 29 वार्ड से पार्षद रहा हूं और अब आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी 40 के 40 वार्ड जीतेगी, उसका सबूत आपके सामने है। इसीलिए भीड़ यहाँ लगी हुई है कि आज माननीय मंत्री कमल गुप्ता जी हमारे बीच में आए, क्योंकि उनकी यहाँ उनको यहाँ प्रभारी लगाया गया है चुनाव के निमित्त। तो आज वो सभी के बायोडाटाज ले रहे हैं और फिर नज़दीकी चुनाव में सब ठीक रहेगा और भाजपा जीत हासिल करेगी। क्या इस तरह से भी होगा कि एक वार्ड से जो दावेदारी 6-6, 7-7 लोग कर रहे हैं और ऐसे में एक को टिकट दी जाएगी और बाकी नाराज होंगे तो कि चुनाव पर फर्क पड़ेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो ये नहीं देखता कि किसको टिकट मिल रही है। हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जिसको एक को भी टिकट मिलती है तो बाकी सब उसके साथ लग जाते हैं, ये इनका स्वभाव है। नरेश कटारिया भी वार्ड 14 से
चुनाव लड़ना चाहते हैं और आज मंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी आवेदन देने पहुँचे हैं, चाहे मेयर के पद के लिए लड़ना चाहते हो, चाहे पार्षद पद के लिए लड़ना चाहते हो। नरेश कटारिया जी, आप ये बताएं कि आप भी दावेदारी करने पहुँचे हैं और आपने आवेदन दे दिया। हाँ, मैंने आवेदन दे चुका हूँ मैं, और बिल्कुल दावेदारी है वार्ड 14 से, क्योंकि मुझे दो बार निर्विरोध सेक्टर 9 का RWA का प्रेसिडेंट बनाया है, और हमारे सेक्टर सेक्टर में 4000 वोट है, उसके साथ में सेक्टर 9A है, वहाँ की RWA ने भी और वहाँ के लोगों ने भी, जो दोनों की मिला के 7000 वोट होती है, और वहाँ एक तरफा माहौल है। इसके अलावा देवीलाल नगर में, अंबेडकर कॉलोनी में, जहाँ भी हम जाते हैं बहुत अच्छा जनता का समर्थन मिल रहा है, तो इसलिए मैं दावेदारी नहीं ठोक रहा। जो वहाँ की जनता है, जो उनका प्यार और जो मेरे प्रति उनका समर्थन है, उसके कारण मैं दावेदारी ठोक रहा हूँ। सुमन दहिया भी हमारे साथ मौजूद है, भाजपा से जुड़ी है, वो भी दावेदारी करनी पहुँची है, और इनसे जानना चाहेंगे कि मानेसर या गुरुग्राम से चुनाव लड़ना चाहती है और मेयर का चुनाव लड़ना चाहती है। बिल्कुल, देखिए, हमने गुड़गांव से तैयारी करी है, क्योंकि गुड़गांव के ही निवासी हैं और मेरी ससुराल भी गुड़गांव में पड़ती है, धनवापुर गांव जो मेरी ससुराल है, इस नाते से हम तो बहुत पुराने हैं और एक दावेदारी उस पर भी रखते हैं। आज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आज सभी के, गुरुग्राम के निगम के जितने भी हैं, सभी के बायोडाटाज मंगाए हैं, तो सब अपना अपना रखेंगे दावेदारी, तो हम भी आज अपनी दावेदारी के लिए आज पार्टी में अपना रिक्वेस्ट करने आए हैं कि टिकट मिले, और काम के दो उस पर ही मांग रहे हैं। क्या लगता है, महिला रिजर्व रहने वाली है या जनरल रहेगी, और भाजपा से और भी प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं? आपको बता दें कि बहुत सारी कतार में लगे हैं लोग, तो क्या लगता है किस तरह से आप उनसे बेहतर आप उनको आप मानते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि जब शुरुआत से ही बात चल रही थी तो महिला के लिए बात चली थी, और अभी तक वो बात कायम है, और महिला के लिए सीट आरक्षित की गई थी जो बात हुई थी, तो अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया है कि कोई बदलाव किया गया है। अभी तो सिर्फ महिला के दौर से ही सभी तैयारियां भी आप देख रहे होंगे, आज तक जितनी भी तैयारियां की है महिलाओं ने ही की है, पुरुष का हमने कभी अभी तक मेयर के लिए नहीं सुना है। लेकिन अगर अंत तक ये पार्टी का नेतृत्व का डिसीजन है, वो क्या फैसला लेते हैं उस समय पता लग जाए। धर्मेंद्र यादव मानेसर नगर निगम से हमारे साथ हैं, ये भी दावेदारी कर रहे हैं, क्या पहले ये बताएं कि आपके पास भाजपा में कौन सा पद है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला संयोजक चुनाव प्रबंधन विभाग देख रहा हूं पूरे जिले का, और पार्टी में उस समय से जुड़ा हूं जब हम कुछ गिनती के लोग हुआ करते थे और लोग सोच भी नहीं सकते थे कि सरकार आएगी, उस समय से भारतीय जनता पार्टी का सेवक रहा हूं। तो अब वैसे तो हमारी जो विधानसभा है वो ऐसी विधानसभा है, लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया है कि हम पार्टी से कुछ मांग सकें, तो उसके लिए हम जो है मानेसर नगर निगम में मेयर के लिए पार्टी से चाहते हैं कि भाई पार्टी हम पे विश्वास जताए, हमने आज तक पार्टी को दिया है, लिया कुछ नहीं, तो पार्टी से पहली बार कुछ मांग रहे हैं कि मेयर के लिए अगर पार्टी हम पे विश्वास करेगी तो 100% पार्टी को हम जीत करके सीट और की जोड़ी में सौंपेंगे। देखिए, यादव बाहुल्य क्षेत्र है आपका जो मानेसर नगर निगम है, ज़्यादा यादवों की वोट ज़्यादा है, तो ऐसे में यादव कैंडिडेट ज़्यादा दावेदारी कर रहे हैं, अगर किसी यादव को टिकट मिलती है और दो चार लोग और भी दावेदारी कर रहे हैं, तो इसका चुनाव पे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, औरों का तो पता नहीं, लेकिन अपने को तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा सर्व समाज के सभी साथियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल है, सभी जाति बिरादरी के साथ, क्योंकि मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैं अपने जो है सभी साथियों को एक साथ लेकर चलता हूँ, मेरे अंदर जो जाति वाली तो अपने साथ कभी बात ही नहीं रही। हम भारतीय जनता पार्टी में तो हमने भी एक अजगर कौम बनाई थी कभी, और हमने पार्टी को खड़ा करने में उस कौम को लेकर हम आगे चले थे हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारी और माननीय अध्यक्ष जी अगर हम पर विश्वास करते हैं तो 100% हम जीतेंगे। वार्ड 13 से ब्रह्म यादव पार्षद, निवर्तमान पार्षद है, और फिर दोबारा दावेदारी करने पहुंचे हैं टिकट के लिए, और पार्टी कितना भरोसा जता पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन आपने दावेदारी कर दी है। भाई साहब, बायोडाटा मांगे हैं पार्टी के, यहाँ से कार्यालय से फ़ोन आए थे, हमने अपने बायोडाटा जमा कर दिए हैं, और जो भी चुनाव लड़ने की इच्छा सभी की रहती है, और जैसा भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जो भी हमारी प्रदेश के नेता जो निर्णय लेंगे उसी पे हम अपना
विचार करेंगे पार्टी। क्या क्या लगता है कि भाजपा टिकट रिपीट करेगी, ऐसा लगता है? ऐसा है जी, धनखड़ साहब ने पीछे मीटिंग ली थी, धनखड़ साहब जी ने ये बोला था जो सर्वे के आधार पे जिसका नाम फर्स्ट आएगा हम सर्वे के आधार पे टिकट दे देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मेहनत करता है और जिसका सर्वे में नाम आएगा उसी को टिकट देगी। वार्ड 13 से महावीर यादव हमारे साथ मौजूद है, ये भी टिकट की दावेदारी करने पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं कि किस ब्याह पे टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। महावीर जी बताएं एक बार। मैं वार्ड नंबर 13 से महावीर यादव और आज यहाँ बीजेपी कार्यालय में टिकट के आवेदन के लिए आया हूँ और टिकट का आवेदन किया है। पिछली बार भी मैं टिकट की लाइन में था, किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि पार्टी मुझे टिकट ज़रूर देगी, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से बीजेपी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हूं और मैंने आज तक कभी पद की लालसा नहीं रखी और ना कभी पार्टी में कभी हैं। हाँ, सक्रिय कार्यकर्ता रहे और उसी ब्याह पे यहाँ पार्टी में आज टिकट के लिए आवेदन करने आया हूँ। शेर सिंह सरपंच हमारे साथ मौजूद है और ये भी टिकट की दावेदारी करने पहुँचे, इनसे जानते हैं कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? मेयर मैं मानेसर नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। अगर सरकार मुझे मौका देगी तो मैं लड़ूंगा, चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्योंकि मुझे गांव ने निर्विरोध सरपंच बनाया था और मैंने अपनी शक्ति लगा के अपने गांव को हरियाणा में एक नंबर किया है। आपको पता है कि मेरा गांव 4-6 स्टार बेस्ट सरपंच ऑफ हरियाणा का अवार्ड मुझे मिला है। अगर सरकार मुझे मौका देगी तो मैं अवश्य ही, मेरा एक सपना है कि मैं, मेरा एक ही सपना 7-स्टार निगम हो अपना, तो मैं मानेसर नगर निगम को भारत के प्रथम पंक्ति में लाके खड़ा कर दूंगा अगर हरियाणा सरकार ने मुझे मौका दिया। आपको पता है कि मेरा जो एम है वो बहुत ऊंचे रहते हैं और मेरा एक विजन है कि मैं मानेसर नगर निगम को पूरे भारतवर्ष में 7-स्टार बना दूंगा। अमित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कौन से वार्ड से दावेदारी करने पहुँचे हैं? देखिए, वार्ड नंबर 19 में मेरा निवास स्थान है, जो कि पिछला वार्ड 19 था, अभी आने वाली तो अभी जब वार्डबंदी होगी तब पता चलेगा। तो एक कार्यकर्ता के रूप में हमने भी कहा कि आज आदरणीय मंत्री जी आए हुए हैं तो अपना बायोडाटा लगाया जाए, तो आज यहाँ बायोडाटा जमा कराया है, क्योंकि वार्ड अभी क्लियर नहीं है, एक दो दिन में समय लगेगा, उसके बाद पता चलेगा कि वार्ड हमारा 19 ही रहता है, लेकिन पिछली बार वार्ड हमारा 19 था। मतलब कुल मिला के मन बना लिया है कि चुनाव लड़ना है अगर पार्टी टिकट देती है तो? देखिए, कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं, अभी भी पार्टी ने हमें दायित्व दिए हुए हैं, उस दायित्व को हम समय समय पर बेहतर हो सके ऐसा कर रहे हैं और समाज सेवा में हम लगे हुए हैं। तो समाज सेवा के नाते एक पैशन होता है कि आदमी जहां समाज सेवा में लगा हुआ है तो और भी कोई कार्य पार्टी संगठन को आदेश करेगा तो हम जो भी उचित निर्णय पार्टी करेगी हम उसके साथ रहें। सज्जन सिंह यादव कन्हई से वो भी दावेदारी करने पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे कि वो कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। सज्जन सिंह जी, कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं और दावेदारी करने पहुँचे आप भी? जी, नगर निगम वार्ड नंबर 32 से चुनाव की तैयारी है और उसी के निमित्त पार्टी से हम टिकट मांगने आए हैं अपना रिज्यूम देने। कितने साल से जुड़े हैं भाजपा से आप? भाजपा से लगभग पिछले 11-12 वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपके वार्ड में और भी दावेदारी करने वाले हैं? हाँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो दावेदारी, तो करना सबका अधिकार है, तो सब अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि जो बड़े नेता हैं उनके चाहते हैं उनको टिकट दी जाएगी या सर्वे कराकर टिकट दी जाएगी? देखो, ये तो विषय पार्टी का है, संगठन का है और बड़े नेताओं का है कि उनकी किस तरह की आपस की समझ और सामंजस्य है और किस तरह से वो टिकटों पर लोगों को उतार कर अच्छा परिणाम लेना चाहेंगे। पर हम अपनी तरफ से तो यही कह सकते हैं कि भाई, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उस नाते हम भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। मैं राहुल यादव, वार्ड नंबर 3 मोलहेड़ा से दावेदारी के लिए मैंने अपना फॉर्म जमा कराया, बाकी पार्टी अब क्या कहती है देखते हैं, आने वाला समय बताएगा। कितने दावेदार हैं आपके यहाँ से जो पहुँचे हैं दावेदारी करने? मेरे ख्याल 7 या 8 दावेदार हैं फिलहाल हमारी पार्टी के। तो कैसे लग रहा है कि टिकट किस तरह से वितरित की जाएगी? मुझे जाएगा, काम पार्टी काम देखेगी, जो अपनी सच्ची निष्ठा से और अपनी कर्मठता से काम में लगा हुआ है पार्टी उसको जरूर ध्यान में लेगी। मैं वार्ड नंबर 17 से हूँ, रितु प्रजाप। अच्छा, चुनाव की दावेदारी करने आए हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्यों चुनाव लड़ना चाहिए? देखो, चुनाव का एजेंडा बहुत बड़ा होता है, वो शब्दों में बयां कभी होता नहीं है। एक बार मौका मिलेगा तो उसे ज़रूर
जमीन पे लगा के दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी काबिलियत है। मेरा नाम है मुकेश शर्मा उर्फ बाली पंडित, गुड़गांव गांव का निवासी हूँ मैं और वार्ड नंबर 8 ही गुड़गांव गांव में आता है। तो आप 8 नंबर 8 से दावेदारी करने पहुँचे हैं? वैसे दावेदारी तो मैं कई वार्डों में करता हूँ, लेकिन अभी जो लिखवाया मैंने 8 ही नंबर ही लिखवाया। अच्छा, 8 नंबर लिखवाया है। तो क्या मंत्री जी ने क्या सवाल पूछे आपसे, पूछताछ भी की होगी जब आवेदन दिया? मंत्री जी ने कोई मेरे से ज़्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन उन्होंने पूछा कि पार्टी कब ज्वाइन की थी। तो मैंने 2014 में पार्टी ज्वाइन की थी, और उससे पहले ही मैंने बताया कि 2011 से मैं हजका पार्टी में था, तो हजका बीजेपी का गठबंधन भी था, तो उस समय मैंने पार्टी के लिए काम किया है। तो मोदी की लहर से ही जुड़े हुए हैं आप, जैसे मोदी की लहर थी 2014 से? नहीं, 2011 से हमने बीजेपी गठबंधन हमारा साथ था, और जब 2014 में बीजेपी का हमारा गठबंधन खत्म हो गया था, लेकिन हम मोदी जी के लिए हमने वैसे ही काम किया था पहले भी। गगन गोयल। कौन से वार्ड से आप दावेदारी कर रहे हैं और किस पद के लिए कर रहे हैं? वार्ड 18 से पार्षद के लिए जी। तो क्या मंत्री जी ने क्या पूछा आपसे? क्या मंत्री जी ने पूछा कि भाई कितने साल से पार्टी में काम कर रहे हो और क्या दायित्व है आपका इस टाइम गुरुग्राम में, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? चुनाव का जी, मेरे बचपन से जो मेरे दादाजी ने समाज सेवी रहे DP गोयल जी, और बचपन से ही हमारे घर पे लोग आते थे काम कराने के लिए, तो एक प्रेरणा मिली अपने बाबा जी से कि मुझे भी लोगों की सेवा करनी चाहिए, और पिछले मैं 15-20 साल से पार्टी के साथ भी जुड़ा हूँ, लोगों के कार्य भी काम करवाता रहता हूँ जी। शारदा शर्मा, गुरुग्राम फ्रेंड्स कॉलोनी से हूँ। कौन से वार्ड से आप दावेदारी करने जी? मैंने वार्ड नंबर 19 से दावेदारी दी है, और हमने अपने मंत्री जी को कमल गुप्ता जी को अपना बायोडाटा दे दिया है, और देखो अगर लोगों का प्यार होगा, किस्मत का होगा, भगवान का, तो हमें टिकट जरूर मिलेगी जी। हम समाज सेवा कर रहे हैं, और 2006 से तो बहुत सक्रिय समाज सेवा कर रहे हैं, और भाजपा पार्टी के लिए लोकसभा के और विधानसभा के दोनों चुनावों में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मानेसर के तो नहीं, मुझे जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेतृत्व में गुड़गांव नगर निगम की जिम्मेवारी दी है, तो उसके चुनाव की दृष्टि से आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारे जो चुनाव की तैयारियां होती हैं वो मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक होती हैं, तो ये एक तैयारी का हिस्सा है। हमारे इतने लोग हैं चुनाव लड़ने वाले, इतने इच्छुक सब लोग हैं, तो इस दृष्टि से मैं यहाँ आया था और काफ़ी कार्यकर्ताओं से मिला। लगभग 170 कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन दिए हैं, अपनी इच्छाएँ जाहिर की हैं, तो उन सबके बायोडाटा हमने लिए हैं, इन पर विचार करेगी पार्टी, और अभी तो और भी बहुत लोग हैं, हो सकता है कि ये सेशन आज ही समाप्त ना हो, 1-2 दफ़ा 2-3 दफ़ा और भी करना पड़े, तो बड़ी अच्छा उत्साह है सब में, लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, अच्छी तैयारी है हमारे कार्यकर्ताओं की। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय जो है वो आपको हाथ कंगन को RC क्या पता लग जाएगा कि गुड़गांव का जो निगम का चुनाव है वो हम 100% मेयर का भी जीतेंगे और पार्षद भी हमारे बनेंगे। के लिए कितने आवेदन आए आप तक? नहीं, अभी हमने पूरी काउंटिंग नहीं की, लेकिन 170 आवेदन आए हैं, उनको हम हाँ जी तो उनको अभी हम जरा कैटेगरी वाइज और वो सब लिस्ट वगैरह बनाएंगे। वो तैयारी तो जब 5.5 साल चलती है ना, पूरे के पूरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको बताया ना कैडर बेस्ड पार्टी है, वो तो 24 घंटे 7 दिन महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन तैयार है भाई, कभी कोई कभी आ जाइए, कैसे ही आ जाइए। मंत्री जी, कब तक चुनाव होने की उम्मीद है, क्या अप्रैल तक? ये चुनाव आयोग बताएगा। निगम चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, इसी को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। गुरुग्राम के गुरुकमल बीजेपी कार्यालय में आज स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के आवेदन हासिल किए। लगभग 170 कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए, जिसमें मेयर पद के लिए और पार्षद पद के लिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी सर्वे कराएगी और जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिल पाएगी। आपको बता दें कि चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो रही हैं, और ऐसे में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार।